हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये क्लास ट्वेल्थ में और फिर बीएससी में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वही बात डिस्कस करने वाले हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट सबसे पहले कि अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैंगनीज, जो कि Mn है। मैंने यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट जो सीरीज है उनकी हम मैंने यहाँ पर एलिमेंट और उनकी एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं। हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है और एटॉमिक नंबर आप याद रखना। इसको याद कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। एक इसका एक हमें तरीका होता है, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे कि साइंस टीचर वीता करमानी मन फे को नी कु जन। क्या बोलोगे? साइंस टीचर वीता करमानी मन फे को नी कु जन, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप याद रखना कि ऐसे लाइन से इसकी एटॉमिक नंबर है। तो हम सबसे पहले मैंगनीज की हम फाइंड कर रहे हैं। तो मैंगनीज का जो जेड होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट? कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। हमें बोला गया है कि मैग्नीज की क्या फाइंड करो, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? देखो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, इसको म्यू से शो करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में एन प्लस एन ब्रैकेट एन प्लस टू एंड बी एम। जो आपका यहाँ पर एन है वो क्या है? आपका एन जो है वो आपका है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो आपका क्या होगा? एन। बी एम को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट? बी एम को हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटन, बोहर मैग्नेटन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है बोहर मैग्नेटन, इसको हम बी एम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो हम कैसे करते हैं, देखो तो सबसे पहले देखो एन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी इसके लिए। तो एन कैसे निकालेंगे? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, जो ग्राउंड स्टेट पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 3d 5 4s 2, ठीक है। तो एस के तो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। ऐसे है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो डी में देखने आपको कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट्स? देखो 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर हैं इसमें। तो हम एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? एन की वैल्यू आ जाएगी 5। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही एन की वैल्यू होगी। तो हमें म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? अंडर रूट में 5 5 प्लस में 2, क्या आ जाएगा? 5 इंटू में 5 और 2 7, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 35 bm, ठीक है। इस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकिल, निकिल को कैसे फाइंड करेंगे? तो निकिल में एन की वैल्यू कितनी है? पहले जेड की वैल्यू देख लो। जेड क्या होता है निकिल का? 28 होता है। अब अगर इसका देखा जाए तो 3d 8 4s 2 होता है ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। हम अगर देखें डी ब्लॉक में क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर कितने हैं? 1 एंड 2, तो मतलब कि एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे? जो म्यू होगा आपका कैसे निकलेगा? एन, फिर फॉर्मूला लिखना n+2, ठीक है। तो अंडर रूट में 2 2+2, क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2 2 4 4 2 8, तो √8 हो जाएगा, फिर बी एम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हैं हम। अगर आपका आता है, मान के चलो क्रोमियम का पूछता है अगर आपसे कि क्रोमियम का निकालो क्या होगा, तो अगर हम क्रोमियम का देखो तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट? देखो क्रोमियम कितना? 24 है, ठीक है, 24 Cr। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 3d 4 4s 2, ठीक है। तो 3d 4, 1 2 3 4, अब देखो 3d 4, अब इसको काउंट तो करोगे ही नहीं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
अनपेयर देखने कितने अनपेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन है अब उसी में देखोगे, 1 2 3 4 फोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर फोर कर दो, यहां पर फोर कर दो, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 4 2 6 6 4 24, ठीक है 24 bm। अगर रूट अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर का मिल रहा है तो लिख दो, नहीं मिल रहा तो ऐसे के ऐसे छोड़ दो, अगर आपको वैल्यू निकालनी आती है तो वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे क्रोमियम का। अगर जिंक का पूछेगा, अगर जिंक का पूछेगा तो जिंक में क्या हो गए स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं। जिंक में कितने होते हैं, जिंक का जो होता है 30 होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो इसका कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो डी होगा 1 2 3 4 5, तो डी ऑर्बिटल फिल्ड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है, एन की वैल्यू जीरो है, एन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो जीरो रखोगे एन की जगह पर तो क्या होगा आपका मैग्नेटिक, जो आपका बोर मैग्नेटन कितना हो जाएगा, जीरो बोर मैग्नेटन हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वहीं पर ही आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड होगा, ठीक है। तो एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो भी मैंने यहाँ पर जैसे कि 3D 4 है तो इसका मैंने 4 लिया है, तो लेकिन ये 2 नहीं लिखा मैंने इसका S का 2, तो इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पर, अगर जैसे कि क्रोमियम है तो CR, ये CR का है तो CR 2 प्लस लिखोगे आप, तो CR 2 प्लस का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3D 4 होगा, ठीक है। अब 4S 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लिखोगे 3D 4 तब लिखोगे इसको, इसमें सेम ऐसे ही, अगर निकल का अगर ऐसे है ग्राउंड स्टेट पर तो निकिल का Ni2 प्लस कितना हो जाएगा, 3D 8 हो जाएगा, ठीक है। निकिल का क्या हो जाएगा, 3D 8। तो आप उसकी क्या करोगे, जो S जो है S ऑर्बिटल उसको आपको रिमूव करके तब आपको लिखना है। मैंगनीज का जैसे कि मैंने बताया था Mn का कितना था, 3D 5 4S 2, तो वैसे ही Mn 2 प्लस करोगे आप, Mn 2 प्लस तब क्या आएगा आपको 3D 5, तब जाके उसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, ठीक है। आपको इसको हटा देना है, ये जो ये, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने रिमूव कर दो यहाँ से, तो 4s2 होता है तो हमेशा यहाँ से 4, यहाँ से 2 प्लस ही यहाँ पर चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं, और आपको नेक्स्ट किस पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझको जरूर बताएं, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।